हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का, वो गेट एग्ज़ाम में आता है और उनके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी काफ़ी जरूर रहता है, एटलीस्ट 3 सेमेस्टर्स तक तो रहता ही है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लेके आए हैं, तो इसमें हम चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे और इन ईच चैप्टर देर आर मोर सब चैप्टर्स। जैसे आज जो हम पहला टॉपिक लेके आए हैं वो लाए हैं मैट्रिसेस, जो लीनियर एलजेब्रा में आता है। मैट्रिक्स लेते हैं जो लीनियर एलजेब्रा में आता है, तो इसमें हम कंसेप्ट सीखेंगे, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा एट द लास्ट जब ये सारे टॉपिक्स जैसे मैट्रिक्स चल रहा है सारे खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल क्लास भी करेंगे जिसमें हम इसमें कुछ क्वेश्चन देंगे और उनको उसमें सॉल्व करेंगे एट लास्ट। तो आज टूडेज फर्स्ट टॉपिक इज एलजेब्रा, लीनियर एलजेब्रा में मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में जाने से पहले सबसे पहले कुछ आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। मैट्रिसेस आपने ऐसे पढ़ा होगा कई बार, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज जो भूल जाते हैं कई बार वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज हम डिक्टेट भी करेंगे और उसको बता दिया करूँगा। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी हमको ये पता होनी चाहिए कि इफ टू रोज और कॉलम ऑफ ए मैट्रिसेस आर आइडेंटिकल, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज जीरो। ठीक है, मतलब टू रोज और टू कॉलम, फॉर एग्जाम्पल इफ अ मैट्रिक्स हम लेते हैं कि इसके दो रो और दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स ए है 0 1 2 0 1 2, ठीक 1 2 3, ठीक है। तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा दो रो या दो कोई दो कॉलम, इसमें तो चलो दो रो आइडेंटिकल, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए वो जीरो होगा। कैसे हो करके देख लीजिए, जीरो लेंगे तो इसका तो जीरो ही हो जाएगा, 2 2 4 -3 -1 2 -0 + 2 1 -0, तो अल्टीमेटली क्या आएगा जीरो। ठीक है, तो एक याद रखिएगा प्रॉपर्टी में सबसे पहला है कि अगर दो कोई दो रो या कोई दो कॉलम आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब सेकंड प्रॉपर्टी में आते हैं लोग, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है इफ टू रोज और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस। मीन्स अगर हमने कोई मैट्रिक्स, मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ये जो लिया है ए मैट्रिक्स 0 1 2 1 2 3 0 1 2, ठीक है, अब इसमें हमने कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिए, ठीक है, मान लो इंटरचेंज कर दिए हमने, इन दोनों को इंटरचेंज आपस में कर दिया, यहाँ पे आ गया 1 2 1 0 1 0 2 3 2, कोई दो हमने कॉलम इंटरचेंज कर दिए, तो जो फाइनल मैट्रिक्स होगी उसमें एक फाइनल डिटरमिनेंट होगा, उसमें एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज अभी डिटरमिनेंट की हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, ये मैट्रिसेस में ही आता है। तो ये किसी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी होगी अगर दो रो या दो कॉलम अगर सेम आइडेंटिकल हैं तो वो उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो रो आपस या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी, जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी वो उसमें निगेटिव साइन आ जाएगा, मतलब वो माइनस लेके आएगा। ठीक है, मतलब ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ए, अगर कोई दो रो इफ टू कॉलम आर इंटरचेंज, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है इफ थ्री रोज और कॉलम, इफ थ्री रोज और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर इंटरचेंज then the sign of the determinant is unaltered। ठीक,
सेम मैट्रिक्स लेने, इसमें हमने जैसे अभी दो चेंज किए, ठीक है, तो मतलब माइनस ए हो गया एक एक, जैसे चलो पूरा कर लेते हैं, 0 1 2 1 2 3 0 1 2, तो हमने पहले दो को, एक दो रो मान ली, इन दो रो को आपस में इंटरचेंज किया, तो आ गया माइनस टाइम 0 सॉरी 1 2 1 0 1 0 2 3 2, ठीक है, उसने बोला कोई थ्री रो, फिर उसका तीसरी रो एक और इंटरचेंज करने, मान लो हमने इसको इसको कर लिया, ठीक है, इसको इसको करेंगे तो इसको माइनस हमने ले ली, सोच लिया माइनस हमने नहीं लिया है इसमें, तो इसका एक माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट 1 2 1 0 1 0 सॉरी 2 3 2 0 1 0, तो जो फाइनल, जो अगर तीन रो आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, जो फाइनल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, सेम रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा, तो तीन होगा। इसके अलावा एक नेक्स्ट और लेके चलते हैं, एक कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इनको आपको पता होना जरूरी है इसके मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट को लेके। नेक्स्ट है कि अगर कोई मैट्रिक्स इन ए डिटरमिनेंट लिखा है, जैसे इन ए डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इफ एनी कॉलम कंटेनिंग द सम और द डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट, देन इट कैन बी स्प्लिट इनटू सम और डिफरेंस ऑफ टू डिटरमिनेंट। कैसे होता है, जैसे कोई आपको डिटरमिनेंट दिया गया, ए ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस वन, बी बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस वन, सी सी स्क्वायर सी क्यूब प्लस वन, तो इसमें क्या है, कोई एक कॉलम, ठीक है, कोई एक कॉलम आपका कंटेन कर रहा है प्लस साइन, पूरा कॉलम कंटेन कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक कॉलम कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, पूरा कॉलम करना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको स्प्लिट कर सकते हैं दो कॉलम्स, तो ये स्प्लिट होकर क्या हो जाएगा, ए ए स्क्वायर ए क्यूब, बी बी स्क्वायर बी क्यूब, सी सी स्क्वायर सी क्यूब, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ए ए स्क्वायर वन, बी बी स्क्वायर वन, सी सी स्क्वायर वन, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई, दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इनको हमेशा याद रखिएगा, किस ये डिटरमिनेंट ऑफ प्रॉपर्टीज में ये चीजें आपको याद रखनी, एक तो ये आइडेंटिकल वाला कि दो आइडेंटिकल हो, डिटरमिनेंट जीरो होगा, दूसरा आपका कि कोई दो आपस में इंटरचेंज करते हैं कॉलम या रो तो निगेटिव साइन आएगा, तीसरा कि अगर तीन कर देते हैं तो निगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि दोनों माइनस माइनस और प्लस हो जाएंगे, और नेक्स्ट चौथा क्या है कि अगर कोई पूरा कॉलम प्लस साइन लिए है, कोई कॉलम मतलब सारे उस कॉलम में जो सारे उसके एलिमेंट है प्लस साइन लिए हैं, प्लस साइन के साथ है, तो उनको हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो इसको रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि स्प्लिट होकर हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कभी कभी टफ आ जाता है, इसमें वाली साइन कॉस लिख जाता है, तो ऐसे में उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हो गए। इसके अलावा एक आध चीज़ें नोट में करके आप देख लीजिए, जैसा सबसे पहले आप देख लीजिए कि लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के साथ कैसे कहते हैं और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के साथ, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसमें अपर पार्ट जीरो हो, अपर पार्ट के एलिमेंट जीरो हो, लोअर पार्ट कंटेन करता हो कोई ना कोई नंबर एक्सेप्ट जीरो, फॉर एग्जांपल 1 2 4, मतलब डायगोनल आपका रहेगा वन, कोई मान ली एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, और जो अपर पार्ट है वो क्या हो, वो जीरो, तो ये क्या होगा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है चाहे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट सब में रहेगा, बस डिफरेंस किस में रहेगा, जैसे ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स थी तो इसमें जो अपर पार्ट वो जीरो था, नीचे वाला पार्ट कंटेन कर रखा था एलिमेंट, अगर ये अपर पार्ट अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती तो ये क्या होती, ये होती ऐसी कुछ होती 1 2 6, तो होती जो इसका 1 3 6 होती, जो ये पार्ट है ये 2 4 और 5, इसको इसमें जो नीचे वाला पार्ट होता ये वो जीरो होता और अपर पार्ट में एलिमेंट होते, सॉरी दिखा नहीं आपको,
तो हम फिर से वह एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था उसमें जो अपर पार्ट होता है वो जीरो कंटेन करता है, अपर पार्ट के तीन मतलब अगर ये 3x3 मैट्रिक्स है तो अपर पार्ट जीरो कंटेन करता है, और जो लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसमें बिलो डायगनल एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो कंटेन करते हैं। ठीक, इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, अगर जैसे इसको ए बोल दिया जाए, इसको बी बोल दिया जाए, ठीक है, तो जो ए है डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगनल एलिमेंट्स, मतलब ए होगा 1 × 3 × 6 मीन्स, और समेशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होगा 1 × 3 × 6। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इफ मैट्रिक्स इज इधर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन द डिटरमिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स, मीन्स डिटरमिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगनल मैट्रिक्स। तो आपका ये पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आते हैं हम एग्जाम्पल से आते हैं कुछ कुछ। तो वो एग्जाम्पल से पहले आपको कुछ चीजें बता देती हूँ, जैसे एग्जाम्पल हम करेंगे इसमें आपको शुरू में कुछ आपको रिजल्ट बता देता हूँ, वो रिजल्ट आपके एग्जाम में बहुत जरूरी होते हैं, डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये मैट्रिक्स है क्या, ये डिटरमिनेंट है, इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू होता है उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू होता है उसका उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। तो इसको आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई मैट्रिक्स लेते हैं ए, ठीक है, इक्वल टू है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका हमने ट्रांसपोज किया 1 ए ए स्क्वायर 1 बी बी स्क्वायर 1 सी सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब इसमें कुछ हमने प्रॉपर्टीज लगाई डिटरमिनेंट में आपस में सॉल्व करने वाली, हमने आपस में सॉल्व किया। तो अगर हम कोई दो रेंज से माइनस करेंगे, हम कोई तीन इसमें आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे कुछ हम लिख दिया, जैसे लिख देते हैं हमने हमने जो रो वन है उसको हमने इंटरचेंज किया है R1 - R2, और R2 को किया है R2 - R3, दो चीज़ हमने कर दी। अब R1 - R2 करेंगे, मतलब R1 क्या है, ये R2 माइनस ये किसी जगह पे आना है, R1 जगह पे R1 - R2 क्या हो जाएगा 1 - 1 0, ये a - b, ये a² - b²। दूसरा हमने R2 चेंज किया था, R2 क्या है, ये है, ये मतलब R2 - R3, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना b - c, ये b² - c². अब क्या बचा 1 c c²। ठीक, ये मैट्रिक्स में अब हम क्या किया, अब हम एक चीज और करते हैं, जो इसमें पार्ट है, पार्ट जैसे ऊपर वाली रो में a - b कॉमन है तो हमने a - b कॉमन निकाल लिया, नीचे वाले में क्या कॉमन है b - c निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से a - b निकालेंगे तो यहाँ तो जीरो, यहाँ से चाहे कुछ भी मान लें कि हमने निकाल लिया, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा a+b। ठीक है, यहाँ पर 0 था ही, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर b+c, इधर क्या आ गया 1 c c²। ठीक है, तो इससे फायदा हमें क्या होगा, फायदा भी आपको पता चलेगा, एकदम सिंपल सा फायदा रहेगा आपको, फटाक से बदल जाएगा। फायदा ये हुआ है कि अब जो फायदा ये है, अब इसको हम जो ये डिटरमिनेंट है इसको सॉल्व कर लो, तो a+b b - c, तो इसके टर्म में कर लो कि ये तो ये क्या हो, ये प्लस माइनस ये, तो 1 ×
बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया, ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी है, प्लस बी लिख दिया, सॉरी सॉरी ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो इसका रिजल्ट आप हमेशा याद रखिए, कोई अगर मैट्रिक्स एस फॉर्म है वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, चाहे इस फॉर्म में चाहे इसके अपने ट्रांसफॉर्म ट्रांसवर्स फॉर्म में, वन ए स्क्वायर वन बी बी स्क्वायर वन सी सी स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या आता है, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आप हमेशा याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी सीधे डायरेक्ट रिजल्ट वाले हैं, तो हम आपको बस बताते चलते हैं। फॉर एग्जांपल बी कोई मैट्रिक्स है वन 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 प्लस ए वन प्लस बी वन 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 प्लस बी सॉरी यहाँ वन वन है, ये एक पैटर्न है मैट्रिक्स का जो देखने में बड़ा टफ लगता है लेकिन सीधा सिंपल आंसर है इसका। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना रहेगा, तो आप याद करिए, अभी हमने अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में या लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स अगर हम बना लें, मतलब उसमें आपस में एडजस्टमेंट करके रो में रो माइनस कर या कॉलम माइनस कर विद इन द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, उसको अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बना लेते हैं तो सॉल्व करने में आसान हो जाता है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट क्या है, डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम इसलिए इसको हमने बना लिया किसी तरह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो हम कोशिश कर रहे हैं चलो कि हमने इसको बना लिया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे हमने इसको बना लिया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या चलो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम लिख लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल होना चाहिए, तो डायगोनल पहली बार ये हमने पहले वाले बिल्कुल चेंज नहीं किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया आर टू की जगह पे, क्योंकि ये हमको माइनस करना है, ये माइनस करना है, ये करना अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स करना है, तो अपर मतलब अपर रहता है लोअर जीरो होता है, तो इसको जीरो करना है, तो इसको जीरो करने के लिए आर टू माइनस आर वन या आर टू माइनस आर थ्री कुछ भी कर सकते हैं, तो आर टू माइनस आर टू की जगह करना हमको आर टू माइनस आर थ्री कर दीजिए, आर टू माइनस आर वन कर लीजिए, आर टू माइनस आर थ्री क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा जीरो, वन माइनस वन प्लस ए माइनस वन ए ये क्या हो जाएगा जीरो। दूसरा हम क्या करना है आर थ्री चेंज होगा, यहाँ चेंज करना है, यहाँ यहाँ दोनों जीरो होने चाहिए, तो आर थ्री को कीजिए क्या होगा आर थ्री माइनस आर वन, तो क्या हो जाएगा वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, वन प्लस बी माइनस वन बी। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो पता ही है प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स मतलब वन इंटू ए इंटू बी, आंसर क्या हो जाएगा ए बी। तो क्या बता लीजिए इसका आंसर किस तरह निकलता है, इसका आंसर ऐसे निकलेगा, इसका आंसर होगा प्रोडक्ट ऑफ जो एक्स्ट्रा जो प्लस के साथ ऐड है इनका प्रोडक्ट ही इसका आंसर होगा, या इसमें कर लिए आगे में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई दे दिया किसी मैट्रिक्स कोई डिटरमिनेंट है वन 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 फाइव वन 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 सिक्स। ठीक है, तो ये देखने में तो लग रहा है इसको हम पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो सिंपल इसको आप बना लीजिए, कैसे बनाएंगे वन वन वन। ठीक है, इस फॉर्म में याद रखिए कि फिर इसको वन 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 इतना तो हो गया, अब फाइव को क्या कर लीजिए वन प्लस ए वन प्लस फोर फाइव हो गया, सिक्स को वन प्लस फाइव, तो क्या ये ए है ये क्या है बी है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा ए इंटू बी मतलब फोर इंटू फाइव, आंसर ट्वेंटी, सिंपल हो जाएगा सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। हम नेक्स्ट लेके आते हैं, तो अब जो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जैसे आपका मान लीजिए डिटरमिनेंट है ये वन 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 तो है ही, ठीक है वन वन प्लस ए वन 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 प्लस बी वन 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 प्लस सी। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, एक आध और एक दो और हैं, जैसे
को डिटरमिनेंट है 1 + a, 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आता है ए बी सी, मतलब ए बी सी ब्रैकेट में 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो इसको भी जैसे अभी मैंने बताया ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करिएगा, इसका आंसर आएगा ए बी सी 1 + 1/a 1 + 1/b 1 + 1/c। तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि इस तरह के जो और आएंगे, मतलब एक तो 3 × 3 में है, हो सकता है 4 × 4 में आए, 5 × 5 में आए, तो ये आप डायरेक्ट ऐसे ही आंसर दे सकते हैं, सॉल्व करिएगा। लेकिन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, तो मैं इसको सॉल्व करके नेक्स्ट लेक्चर में आपको शो कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ऐसे ही इसी का, जैसे 1/a ऐसे में हो सकता है 4 × 4 1 + d हो, तो उसका हो जाएगा ए बी सी डी ब्रैकेट में 1 + 1/a प्लस 1 + 1/b प्लस 1 + 1/c, ठीक। और इसका भी सेम कि अगर कोई मैट्रिक्स आती है, डिटरमिनेंट आता है यहाँ ए की जगह क्या आता, हो सकता है 2 हो 4 हो 5 हो 10 हो 15 हो, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, आंसर सीधे डायरेक्ट आपका आ जाएगा। अब ये तो हो गया आपका डिटरमिनेंट को सीधे सीधे सिंपल प्रॉपर्टी निकालने वाला, अगर आपको इन प्रॉपर्टीज से मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो सॉल्व करने के लिए कभी कभी डिटरमिनेंट बहुत लंबे लंबे आते हैं, उनको सॉल्व करो बहुत समय लगता है। तो कुछ ट्रिक्स क्या, वो आपको कुछ अच्छी बुक्स में मिल भी जाएगा, बड़ी बड़ी जो बुक्स आती हैं अच्छी आपके कॉलेज की, आपके सेमेस्टर्स की बुकें, उसमें मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कि सॉल्व है करना है सॉल्व डिटरमिनेंट, ठीक। फॉर एग्जांपल कोई ए मैट्रिक्स है भाई, जो हमने अभी तक देख रहे थे 0 1 3 1 2 1 2 3 1, ठीक है। तो जनरली हम सॉल्व करते हैं कैसे, 0 ये माइनस ये, मतलब 2 - 3 -1, कैसे करते हैं ये 1 - 9 प्लस 2 1 - 6, ऐसे करते हैं। फिर इसको सॉल्व करो 8 - 10 प्लस 2 आता -2। ये तो 1 2 की बात होती है, अगर ज़्यादा हो रहा है तो दिक्कत होता, ठीक। तो इसको वो तरीका क्या सॉल्व करने का, तरीका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकालने का, ये इसके लिए 0 1 3 1 2 1 2 3 1, फिर से रिपीट करना है 0 1 3 1 2 1, यहाँ तक के लिए इसके बाद आप कुल मिला के आप ऐसे, जैसे क्योंकि हम ऐसे क्या करते हैं, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। तो इस यहाँ पे भी आप करना है आपको ऐसे ऐसे जो तीन तीन में जा रहे हैं उनको ऐसे ये कन्वर्ट कर देना है, फिर यू ओके निकलिए। अब जो आपके ये वाले पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या है 2 1, ये 0 ही है, ठीक है। फिर प्लस ये कितना है 3 9, ये कितना है 2 1 2 माइनस ये कितना है 3 6 12 0 और 1 0, ये 1। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9 + 2 11 -13 - 2, तो वहाँ से सेम है। तो ये तरीका आप अपना अपना सकते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा, अगर हो सकता है अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन में आप कमेंट में क्वेश्चन के बारे में बोल दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर क्या है, इसमें लिए एग्जाम ये क्वेश्चन 1 है, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा सॉल्व करके, जैसे एग्जाम फॉर एग्जांपल 1 2 2, सॉरी डिटरमिनेंट है 2 1 2 2 2 1, तो इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा। तो दो तीन क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, एक 1 2 5 3 1 4 1 1 2, इसको सॉल्व करिएगा, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा आपका आंसर आ जाना चाहिए। और इसके अलावा अपने गेट के एग्जाम क्वेश्चन मैट्रिक्स से सॉल्व करिएगा,
और इससे रिलेटेड अभी जो जहाँ तक पढ़ा गया, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में डाल सकते हैं कि इस ईयर का ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया इस ब्रांच का, तो उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा अगले नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट है आपका एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालना या एक एडजॉइंट निकालने तो आप आता ही होगा जो पुराना तरीका है, इसके अलावा नए तरीके से भी इसको सीखेंगे। या ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स के लिए क्या होता है, ए इनवर्स के लिए वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है एडजॉइंट का यूज यही आता है। तो इसके लिए तो हम बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर आ करता था ए इनवर्स निकालने का। तो हम आपको कुछ सेट ऑफ तरीके बता देंगे जिससे आपका एग्जाम में टाइम सेव हो जाए, क्योंकि मैट्रिक्स के क्वेश्चन एक आध आ ही जाते हैं और इसमें टाइम वेस्ट करना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई इट्स नॉट ए गुड हैबिट टू वेस्ट योर टाइम इफ इफ यू कैन गेट बेटर। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, कोई मैट्रिक्स है 2x2 में ए बी सी डी, तो इसका आपको ए इनवर्स निकालना है। तो इसका सीधा सिंपल आंसर क्या हो सकता है, क्या होता है, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन आप इससे जो तरीका है हमारा सीधे याद कर लीजिएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकाल ही लेंगे, ए माइनस सी वन अपॉन ए डी माइनस बी सी, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सीधे आप इनको इंटरचेंज कर दें इन दो एलिमेंट्स को, मतलब डी को ए की जगह, ए को डी की जगह। ठीक है, और इन दोनों को चेंज नहीं करना है, पुट इट विथ देयर निगेटिव मतलब अपोजिट साइन। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको मैट्रिक्स देता है 5 4 1 2, ठीक है, तो इसका ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 5 2 10 -4, और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज मतलब 2 इधर 5 इधर, इन दोनों को का पोजीशन सेम विथ अपोजिट साइन। जैसे सॉल्व कर लीजिए, 6 2 -4 -1 5, इसको सॉल्व करेंगे क्या जाएगा, 2 बाई 6 -4 बाई 6 -1 बाई 6 5 बाई 6। अब जैसे मान लीजिए आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें और अब बता देते हैं, एक चीज़ कि माइनर क्या होता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, तो जैसे कोई मैट्रिक्स है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है हमारी। अब इसमें वो पूछ बोलता है मान लीजिए कि माइनर ऑफ वन बताइए, तो वन का माइनर कैसे निकालेंगे, ये इसको हटा के जितना रिमेनिंग पार्ट होगा मतलब माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ वन क्या हो जाएगा, इसका रिमेनिंग पार्ट 0 1 2 3, ठीक, इसका डिटरमिनेंट होगा ये क्या हो जाएगा, 0 -2 -2, इसका माइनर हो जाएगा, ये तो इसका माइनर है। ठीक है, तो मतलब माइनर को हम बोल सकते हैं द माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इज द डिटरमिनेंट ऑफ दैट स्क्वायर सब मैट्रिक्स इन विच द रो एंड द कॉलम ऑफ द पर्टिकुलर कॉलम लाइज इज टू बी डिलेटेड डिलीटेड। ठीक है, ये डिलीट किया, डिलीट किया, रिमेनिंग क्या बचा है, 0 1 2 3। ठीक, अब लेकिन इसका साइन कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब इसका यूज होता आता है जब हम एडजॉइंट निकालते हैं, तो एडजॉइंट में क्या होता है, को फैक्टर्स होता है। तो जब को फैक्टर्स की बात होती है, को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक, तो क्या होता है, वो होता है -1 की पावर i + j इंटू माइनर, माइनर मतलब डिटरमिनेंट, यस इस केस में -2 है। तो क्या हो जाएगा, तो जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स 3x3 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कोई मैट्रिक्स 3x3 है तो क्या हो जाएगा फिर इसका, आई जे के मतलब रो इंटू कॉलम, ये 3x3 है, इसका मतलब क्या होता है, i इंटू जे 3 रो इंटू कॉलम,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर को फैक्टर ऑफ वन, एलिमेंट वन चाहिए हमको, ठीक है। अगर माइनस वन की पावर, यहाँ पे आई क्या है, तीसरी रो है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो तीसरी रो है, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो कॉलम कितना है, सेकंड, माइनस क्या है, माइनस टू, तो माइनस वन की पावर फाइव इंटू माइनस टू, तो क्या हो जाएगा आंसर, टू, ठीक है। तो को फैक्टर निकालना आ गया, तो को फैक्टर ऐसे निकाले जाते हैं। तो अगर कभी कभी ऑप्शन में आया था कि को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू माइनस वन की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर, या आई प्लस टू जे इंटू माइनस, ऐसे करके, तो आंसर आपका ये डायरेक्ट आपको ये लिखना है। तो ये याद रखना है, ऐसे माइनर निकाले जाते हैं, इसका यूज़ आप ना मतलब आएगा आपको पता होना चाहिए। तो हम अब नेक्स्ट आते हैं, आपको बताते हैं कि एडजॉइंट अगर बड़ा मतलब थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है तो कैसे सॉल्व करना है। इसका यूज़ आपको को फैक्टर का जब 4x4 या 5x5 मैट्रिक्स दी जाएगी तो उस केस में आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा, तब ये जो हम तरीका बता रहे हैं वो आपके काम नहीं आ पाएगा। तो फॉर एग्जांपल एक इनवर्स का हम बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए, सिंपल ही वाली जो अभी तक लेते हैं, 0 1 3, 1 2 1, 2 3 1, ठीक है। इसका हमको निकालना है ए इनवर्स, ठीक। तो जनरली ए इनवर्स क्या होता है, अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना होता है। तो इसका सिंपल तरीका आप चाहे इसको निकाल लीजिए, चाहे जो लोग अभी तक यूज़ करते हैं उसको यूज़ करिए, 0 1 3, 1 2 1, 2 3 1, तो अभी जो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका सीखे थे तो उसी को आगे कर दो, 0 1 3, 1 2 1, फिर आपको तीन तीन वाले डायगनल अलग करने हैं इधर से इधर से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 9 प्लस 2 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 1, तो इससे आया था -2, ठीक है। उसका डिटरमिनेंट आ गया, हमको उसको इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए क्या होगा, जो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करिए, जैसे ये ऐसे यहाँ तक आया, इसको वापस रिपीट कर लीजिए, 0 1 2 0 1, 1 2 3 1 2, ठीक है। अब मैं यहाँ तक कर लिया, अब सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को कट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 की बनाती है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल होगी, इसमें हॉरिजॉन्टल जो बनेगी 2x2 मैट्रिक्स वो एडजॉइंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो है तो उसमें फर्स्ट कॉलम होगा, जैसे ये हमने किया तो पहला किया हमने, तो एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा इसका, तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट का ये कॉलम मतलब फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का यही है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 मतलब -1, ठीक है। फिर ये क्या है, ये इधर रो में जा रहे थे, इसमें लिखेंगे किसमें, 9 माइनस 1, ये किसमें, 1 माइनस 6, ठीक है। नेक्स्ट किस में जाएगा, नेक्स्ट जाएगा ये वाले में, तो ये किधर आएगा, यहाँ पे, मतलब ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में आएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, ये 0 माइनस 6, 3 माइनस 0। अब नेक्स्ट है ये वाला, ठीक है, कैसे आएगा, 3 माइनस 4, 2 माइनस 0, 0 माइनस 1, तो एडजॉइंट क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आएगा -1 8, -5 1, -6 3, -1 2, -1, ठीक। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, -2, ये कितना है, -1 1, -1 8, -6 2, -5 3, -1। उसको सॉल्व कर लीजिए, डाल अंदर इसको -2 को अंदर कर दीजिए, तो आंसर सीधे सीधे जाएगा, ये जाएगा 1/2, -1/2, 1/2, ये कितना हो जाएगा, -4 3, -1 5/2,
माइनस 3/2 और 1/2। आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। इसके अलावा आपको हम दो तीन क्वेश्चन दे देते हैं, आप इसी तरीके से सॉल्व करिएगा, और कहीं डाउट आए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करिएगा कि हमको इस क्वेश्चन में डाउट था, या इन क्वेश्चन को आप अगली क्लास में बता दीजिए तो हम उसको अगली क्लास में आपको। जैसे क्वेश्चन 3 है, 1, 2 तो आपको इससे पहले डिटरमिनेंट निकालने में बताए थे, कुछ इसमें बता दे देता हूँ। जैसे मैट्रिक्स है 1, 2, -2, -1, 3, 0, 0, -2, 1। और क्वेश्चन 4 है मैट्रिक्स बी 1, 2, 5, 3, 1, 4, 1, 1, 2। तो थैंक यू, आज का लेक्चर आज यही खत्म करते हैं। इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इन चारों क्वेश्चन को, और कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स जरूर डाल दीजिएगा, और प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड नेवर मिस बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।